तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंडर फिस्कल एस्पेक्ट के सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। यानी कि लास्ट वीडियो जो मैंने बताई थी कंस्ट्रक्शन टेंडर प्रोसीजर में, जिसमें मैंने आपको बताया था NIT और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। और अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहली क्लॉज, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं EMD। तो EMD का फुल फॉर्म होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। और बहुत सारे इंजीनियर्स को कन्फ्यूजन रहती है कि इसका जो एक एंटायर प्रोसेस है वो क्या है। यानी कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहती है कि जो वो EMD टेंडर में पार्टिसिपेट करने के टाइम पे डिपॉजिट करते हैं तो उनको वापस होती है या नहीं होती है। तो ये जितने भी सवाल हैं इन सब के जवाब मैं आज देने वाला हूँ। तो इसका जो कनेक्शन है, यानी कि जो EMD की हम बात करेंगे, तो इसमें जो कुछ आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो इनसे भी कनेक्शंस है। तो वो कैसे है, क्यों है, उसका पूरा साइकिल क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि EMD होती क्या है। तो EMD एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो यानी कि ये किसको सबमिट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर को, क्लाइंट को सबमिट करना पड़ता है जब वो किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करता है। अब क्लाइंट EMD क्यों मांगता है, वो चाहता है कि जो भी टेंडर बिडर या फिर जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हो वो उस काम को लेना चाहता हो, यानी कि विलिंग टू डेमोंस्ट्रेट हो, यानी कि उस काम को लेके सीरियस हो। कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइंट, सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर लोएस्ट बिड पे आ जाता है और क्लाइंट उसको काम जब अवार्ड करने जाता है तब वो मना कर दे कि मैं काम नहीं करूंगा। तो इसलिए एक स्पेसिफिक फॉर्म का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है EMD। अब EMD से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, जैसे इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है 90 डेज की फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर, यानी कि जो लास्ट डेट होगी सबमिशन के टेंडर की उससे आगे के जो 90 डेज होंगे तो वो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और EMD को सबमिट कितने टाइप से हम कर सकते हैं, तो CPWD की जो SOP में मेंशन है वो टोटल 6 टाइप मेंशन है। यानी कि 6 टाइप के फॉर्म में आप EMD सबमिट कर सकते हो किसी भी टेंडर को कोट करने के लिए। और इसकी जो वैल्यू कितनी होती है वो एस्टिमेटेड टेंडर वैल्यू का अप्रॉक्सीमेट 1-2% के बीच में रहता है। और ये क्लियरली आपकी NIT जो होगी वो उसमें क्लियर मेंशन होगा। तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स के मन में सवाल होते हैं कि EMD उनकी वापस होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो वो कैसे होती है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के बेसिस पे समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको लिंक करते हैं। ये आपकी EMD है और आपने क्या किया है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आपने उसमें EMD डिपॉजिट कर दी है क्लाइंट को। अब ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे वापस करना चाहता है, क्योंकि जो CPWD में मेंशन है 90 डेज यहाँ से है, तो 95 डेज के अंदर, यानी कि प्लस 5 दिन के अंदर अगर काम आपको नहीं अवार्ड होता है तो 5 दिन के अंदर रिग्रेट लेटर के साथ आपको EMD आपकी वापस कर दी जाएगी जो भी आपने सबमिट किया होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को मैं कनेक्ट करूँगा आपकी कॉन्ट्रैक्ट की जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में। और EMD का कनेक्शन हो जाता है सबसे पहले LOI, अगर LOI इशू कर रहा है क्लाइंट। LOI ध्यान रखना, LOI होता है आपका लेटर ऑफ इंटेंट, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्टर की एक क्लाइंट की इंटेंशन है कि वो आपको काम देगा। वो कब देगा, जब आपकी उस टेंडर में लिखी हुई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और उनके कंप्लायंस को आप पूरा कर दोगे। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी होंगी, तो सबसे पहले मैं एक साइकिल बनाता हूं उसके बेस पे समझाता हूं आपको। तो मैं मान लेता हूं ये एक हमारा साइकिल है और जो कॉन्ट्रैक्टर लोएस्ट था उसको काम देना था, यहां पर उसको अवार्ड कर दिया और LOI उसको इशू कर दी गई। और LOI का एक पीरियड भी होता है, 15 डेज भी हो सकता है, 30 डेज भी हो सकता है।
अब मान लीजिए कि जो एलओ आई उसने इंटेंशन दी है, एलओ आई में जो पीरियड दिया है वो 30 दिन का दिया है, तो यही सेम 30 दिन आपको साइट पे मोबिलाइज करने का पीरियड भी होगा। यानी कि क्लाइंट कह रहा है कि आपको जो मोबिलाइज होना है साइट पे वो 30 दिन के अंदर होना है, ठीक है। तो पहली क्लॉज होगी कि 30 दिन के अंदर आपको प्रॉपरली मोबिलाइज हो जाना है साइट पे। दूसरी चीज है उस प्रोजेक्ट की, यानी कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको उसका इंश्योरेंस, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कार पॉलिसीज, तो वो भी आपको क्लाइंट को सबमिट करनी है, जो उस टेंडर में मेंशन होंगी, जो आपने उसको भरने से पहले पढ़ा होगा। ये कब तक सबमिट करना है? ये इस 30 दिन के पीरियड में सबमिट करना है। इसके बाद में जो कमेंसमेंट ऑफ वर्क है, कमेंसमेंट ऑफ वर्क है कि यानी कि आपको काम कब से स्टार्ट करना है, तो उसमें लिखा होगा आपकी एलओआई में फ्रॉम द डेट ऑफ एलओआई 30 दिन 15 डेज, जो भी उसमें मेंशन होगा। इसके बाद में अगली चीज सबमिट करनी होगी आपको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, ये मैंडेटरी होती है बहुत सारे क्लॉजेज में, और ये आपकी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि जो भी एस्टिमेटेड टेंडर वैल्यू होगी उसका 5% होता है, तो ये भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी इस एलओआई के पीरियड में। तो ये हो गई। इसके बाद में आपको और सबमिट करने पड़ेंगे लेबर के कंप्लाइंसेज, यानी कि जो भी लेबर के कंप्लाइंसेज हैं तो वो भी आपको विद इन 30 दिन के अंदर सबमिट करने पड़ेंगे। अगर इन केस ये सारे कंप्लाइंस आपने 30 दिन में पूरे कर लिए तो वो इस पॉइंट पर आपको काम अवार्ड कर देगा और यहाँ पर क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का एक एग्रीमेंट बाइंड हो जाएगा। अगर इस एलओआई के 30 दिन के अंदर एक भी चीज अगर इसमें छूट जाती है तो क्लाइंट इस चीज का राइट रिजर्व रखता है कि वो आपको काम ना दे और आपकी जो ईएमडी है वो जब्त कर ले, तो ये चीज भी होती है। तो यानी कि जो फाइनल कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर आप लोवेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको काम अवार्ड होता है, अगर आप डिनाई कर देते हैं काम को करने के लिए, तो आपकी ईएमडी को फोरफेट कर लिया जाएगा, और अगर आपको काम अवार्ड नहीं होता है तो आपकी ईएमडी आपको वापस कर दी जाएगी। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि सपोज आपको जो भी ये पीरियड दिया हुआ था और जब आप साइट पे मोबिलाइज होने लगे तो आप चाहते हैं कि जो इनिशियली टेंडर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टर की डिमांड है, वो चाहता है कि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में अल्टरेशन कर दी जाए या फिर मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, तो उस केस में भी क्लाइंट राइट रखता है कि वो काम आपको अवार्ड ना करे और आपकी एमडी को जब्त कर ले, तो ऐसे केसेस भी होते हैं। अब मैं आपको कुछ जनरल बात बता देता हूँ कि जो ईएमडी होती है डज नॉट सेल कैरी एनी इंटरेस्ट, यानी कि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलता है, और ये चीज़ भी क्लियरली आपके एनआईटी में लिखी होती है। दूसरी चीज, अगर इनकेस जो आपका एलओआई का पीरियड था, अगर इसमें मोबिलाइजेशन एडवांस अगर कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दिया गया, क्योंकि मोबिलाइजेशन एडवांस कभी भी क्लाइंट पे करेगा तो किसी सिक्योरिटी के बेस पे करेगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टर उसको बैंक गारंटी वगैरह भी सबमिट करेगा, किसके लिए? मोबिलाइजेशन एडवांस को अवेल करने के लिए। अगर इनकेस उसको मोबिलाइजेशन एडवांस क्लाइंट ने दे दिया है और कॉन्ट्रैक्टर ये सारी कंप्लायंसेस को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो क्लाइंट उसकी बैंक गारंटी को इनकैश करा के अपने मोबिलाइजेशन एडवांस की रिकवरी भी कर लेगा और आपको राइटिंग में एक नोटिस भी दे देगा साइट को डीमोबिलाइज करने के लिए। तो ये जो केस है इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी क्लाइंट के फेवर में हैं, और इसीलिए ईएमडी को रखा जाता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसमें पार्टिसिपेट करे तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ही ध्यान में पढ़े, उनको समझे, उसके बाद ही किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स तो साइट की विजिट भी नहीं करते हैं, और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर पता लगा उनका जो रिसोर्स है वो कहीं दूर है, इसके बाद में उसकी जो वेदर की कंडीशंस हैं वो सही नहीं है, वहाँ का जो अप्रोच है वो सही नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ें फेस होती हैं। तो ये चीज़ें क्लियरली एनआईटी में लिखी रहती हैं कि कॉन्ट्रैक्टर सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ऐसी कोई चीज़ उसमें पाई जाती हैं, तो वो उस सारी चीज़ों का कंसिड्रेशन करने के बाद में ही अपना प्राइस बिड
सबमिट करे। तो ये एक पर्पज होता है EMD का। तो आई होप गाइस आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो EMD का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है तो वो क्या है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे कार पॉलिसी के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को, यानी कि इसमें टोटल 4 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर मुझे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।